जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अक्षय कुमार 2023 में अपनी पहली मूवी लेकर आ गए सेल्फी, जो कि ये मलयालम मूवी का रीमेक है ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने मलयालम मूवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देखी है, तो मेरे लिए ये फ्रेश ही मूवी होने वाली है। मूवी की स्टोरी वही है जो हमें ट्रेलर में समझ में आ रहा था। अक्षय कुमार ने अपने ही रोल को प्ले किया है, बस उनका नाम चेंज कर दिया गया है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि अक्षय कुमार एक बड़े एक्टर हैं और उनको शूटिंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, और ये ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन इमरान हाशमी के पास जाती है, जो कि पुलिस वाले हैं और अक्षय कुमार के सबसे बड़े फैन। बट कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये कैसे रिजॉल्व होती है, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, पर हाँ, जो मूवी में इमरान हाशमी और अक्षय कुमार का कन्फ्लिक्ट दिखाया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पहले ऐसा लग रहा था कि अक्षय कुमार का रोल छोटा होने वाला है, पर ऐसा नहीं है। इमरान हाशमी और अक्षय कुमार को बराबर के रोल दिए गए हैं। इस मूवी को देख के लग रहा है कि अक्षय कुमार इज बैक बेबी। अक्षय कुमार ने अपने रोल्स को बहुत ही अच्छे से निभाया है, और वहीं इमरान हाशमी की जो बॉलीवुड में इमेज है उससे बिल्कुल अपोजिट रोल है उनका, पर मानना पड़ेगा काफ़ी अच्छा काम किया है। स्पेशली जो इमोशनल सीन्स है वहाँ आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं उनसे, और भाई बंदे ने काफ़ी कड़क काम किया है। मूवी में जो अक्षय कुमार और इमरान हाशमी का जो कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है वो काफ़ी इंटरटेनिंग है। वो आपको सीट से बांधे रखता है, आपको मूवी बोर कहीं नहीं होने देती। इवन मूवी का फर्स्ट हाफ कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए फर्स्ट हाफ में अच्छा पेस मेंटेन किया है मूवी ने। मूवी में मीडिया का भी एंगल दिखाया गया है, जैसे कि मीडिया छोटी सी चीज़ को कितना एग्जैजरेट करके बड़ा करके हमें दिखाती है, वो अपनी इंडियन मीडिया को एकदम रियल पिक्चर दिया गया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी इंटरटेनिंग है, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मेरे साथ देखते रहिए सिनेमा यूनिवर्स एक्सप्लेन्ड।